अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसनर्स मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 18.3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का टारगेट है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। नीचे चार कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शंस गिवन है और हर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट है 45, x, 5। जी स्टूडेंट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शंस। पहला है 45, x, 5। देखें ये चारों नंबर कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है। छोटी सी बात पहले आपसे कर लें, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में का मतलब ये होता है कि अगर ए का रेशो आप बी के साथ लें और फिर बी का ही रेशो आप किसी और नंबर सी के साथ ले लें, तो यहाँ पर जो रेशो है बी बी की फॉर्म में समझ लें कॉन्टिन्यू हो गए। ए का रेशो बी के साथ, फिर बी का ही रेशो सी के साथ, तो इस टाइप की प्रोपोर्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। और बीच वाला नंबर बी मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है और इसका जो स्क्वायर है मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई सी। तो मीन प्रोपोर्शनल में बी का स्क्वायर यानी मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर बराबर होगा किसके, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के, ए सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अभी कह रहे हैं कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में हैं। किसमें हैं, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में हैं, तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्यूशन में कि इसका आप 45, x, 5 का प्रोपोर्शन बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका प्रोपोर्शन यूँ बनाया जाएगा 45 का रेशो एक्स के साथ, प्रोपोर्शन फिर एक्स का रेशो होगा किसके, 5 के साथ। समझ रहे हैं बात को, फिर एक्स का रेशो 5 के साथ आ जाएगा। इस तरह का मामला है, तो इसका फार्मूला तो हम डेवलप कर चुके हैं ऊपर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के, यानी 45 × 5। तो आप जो है, चूँकि आप जानते हैं कि एक्स ये तीनों कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में हैं गिवन है क्वेश्चन में, लिहाजा एक्स मीन प्रोपोर्शनल है और अकॉर्डिंग टू रूल इसका फार्मूला ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का बीच वाले नंबर का स्क्वायर करें और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लें 45 × 5, डेट्स इट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लें या आप इसके प्राइम फैक्टर बना लें, जिस तरह आपको आसानी उस तरह कर लें। चलें मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5। 45 के फैक्टर बना लिए, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, और उसके आगे 5 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दो तब स्क्वायर रूट लगा दीजिए लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। और भी तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल लें, वो भी एक तरीका है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स और यहाँ अंदर पेयर बनाएंगे। पेयर में याद है आपको क्या करते थे, एक जैसे नंबर का पेयर बनेगा 3 × 3 का पेयर, दूसरा पेयर 5 × 5 का। तो जब रूट के अंदर पेयर्स बनते हैं तो हर पेयर से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाता है, अंदर से पेयर ख़त्म हो जाता है। तो डेट्स इट, 3 × 3 का पेयर बना, 3 बाहर तो अंदर से पेयर 3 × 3 ख़त्म। 5 × 5 का पेयर बना, पेयर से एक नंबर 5 बाहर, अंदर से पेयर ख़त्म, यानी रूट भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 5 = 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 45, x, 5 कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में होंगे तो एक्स की वैल्यू 15 होगी, ये आंसर है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लिखें ऐसे ही लिख के दिखाएं, तो 45, x, 5 यही था ना, इसकी कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन कैसे बनेगी, 45 का रेशो एक्स के साथ प्रोपोर्शन, फिर एक्स का रेशो 5 के साथ, फिर एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके, तो 45 का रेशो 15 के साथ, फिर 15 का ही रेशो किसके साथ आएगा, 5 के साथ आएगा। तो ये एक्स इस तरह से मीन प्रोपोर्शनल 15 है बीच में, इज दैट क्लियर। बाकी कॉन्सेप्ट पे बात हमने क्वेश्चन 3 में तफसील से कर ली है, जो मजीद क्लैरिटी चाहते हैं प्लीज़ वॉच डेट वीडियो।
क्वेश्चन नंबर थ्री इसकी प्रीवियस वीडियो है जी स्टूडेंट, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये है सेकंड पार्ट 16, x, 9, इसमें x की वैल्यू बताए। तो देखिए x की वैल्यू कैसे आएगी जी, सॉल्व में आप कायदा सीख चुके, 16x और 9 कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन में, लिहाजा x मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो रूल के मुताबिक जो मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप चाहें तो एक दफ़ा कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन लिख कर भी फार्मूला लिख सकते हैं। चले मैं कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन लिख देता हूँ, 16 का रेशो x के साथ प्रोपोर्शन, फिर x का ही रेशो 9 के साथ, आर इन कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन है ये। अब ये मीन प्रोपोर्शनल है x, तो इसका स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर, और ये एक्सट्रीम्स हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आप जानते हैं क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर सेम नंबर का पेयर बनाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दीजिए, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दें और यहाँ पे भी चलें स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा लेफ्ट पर, तो क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पर सेम नंबर का पेयर बनाए, 16 का पेयर क्या बनता है सेम नंबर का 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 9 का जो सेम नंबर का पेयर बनता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ रहे हैं बात को, 2 से भी बना सकते हैं लेकिन घिचपिच हो जाएगी, 3 बाय 3 का पेयर बन गया, 4 बाय 4 का पेयर बन गया। तो हर पेयर से एक नंबर बाहर निकाल लें, 4 बाय 4 से 4 बाहर, अंदर से 4 पेयर ख़त्म, 3 बाय 3 से 3 बाहर, अंदर से 3 ख़त्म, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो इसका मतलब है ये वैल्यू होगी x की 12, दैट इज योर आंसर जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का अब तीसरा पार्ट ये वाला करेंगे, इस पर गौर कर लें तीसरे पार्ट पे। 12, 3x-6, 27, डोंट बी कन्फ्यूज, पहली टर्म 12 है और बीच में जो है ये है आपका मीन प्रोपोर्शनल 3x-6। पिछले दो पार्ट में सिर्फ एक्स एक्स था लेकिन अभी 3x-6 है, अ लिटल कन्फ्यूजन बट डोंट यू वरी, कॉमा 27। बेसिक रूल वही रखें, आपको याद है ना चाय वाली मिसाल दी थी आपको कि एक शख्स की चाय बनानी हो तो उसमें एक शख्स के लिहाज से पत्ती, चीनी और दूध इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर फ़र्ज कर लें कि दो अपराध की चाय बनानी हो तो उसी रेशो के साथ जो है चीज़ें बढ़ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ जाएंगे, पत्ती बढ़ जाएगी, चीनी बढ़ जाएगी, दूध बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को, तो बेसिक्स वही रहेंगी, उसी को जो है आप जो है उसी रेशो के साथ बढ़ा दें, नहीं समझे बात को। तो देखें क्या होगा, कैसे सवाल हल होगा, आइए ये आपके पास जो है मीन प्रोपोर्शनल, तो आप समझ गए कौन है मीन प्रोपोर्शनल, कौन है 3x-6। तो रूल के मुताबिक मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर बराबर होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के, और एक्सट्रीम कौन है 12 और 27। तो यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन में मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन में है, यानी 3x-6 का स्क्वायर, जस्ट मैं वही काम कर रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शनल 3x-6 है इस दफा बड़ी रकम एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 27, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। समझ रहे हैं, अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेना होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें ताकि वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। तो 3x-6 का स्क्वायर, स्क्वायर तो ख़त्म करना पड़ेगा ना भाई, और यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, किस पे 12 मल्टीप्लाई बाय 27 पे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3x-6 इज इक्वल टू, अब यहाँ फैक्टर बनाने, तो आप डिपेंड करता है, खेलना आ गया तो बड़े बड़े फैक्टर्स बना लें, नहीं तो फिर छोटे छोटे बनाएं फैक्टर, छक्का मारना आ गया तो छक्का मारें, नहीं तो एक
टुक टुक करके एक एक रन ले लें, तो 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12, और 27 के फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, सही है। अब आपने पेयर बना के कॉमन निकालना, पेयर बना के नंबर एक जैसे पेयर से ट्रम्स पार निकालते हैं। कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर देखें, पहला पेयर 2x2 का एक जैसे नंबर का पेयर बनता है, 3x3 का सेकंड पेयर, फिर 3x3 का थर्ड पेयर, तो तीन पेयर से हर पेयर से एक नंबर बोतल आंसर बाहर, अंदर से पेयर ख़त्म। 2x2 पहला पेयर से 2 बाहर, 3x3 से 3 बाहर, फिर 3x3 से 3 बाहर, अब क्या हो जाएगा, सब कुछ ऊपर देखो रूट और वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, 3x-6 ये हो जाएगा 2 3 10 6, 6 3 18, अब -6 को इधर शिफ्ट कर दें राइट पर, तो 3x = 18, ये -6 राइट पर शिफ्ट हो गया प्लस में हो जाएगा, 18 + 6 दिस विल गिव यू 24। अब दोनों तरफ कॉमन नंबर से कटिंग हो सकती है तो काट दें, आपसे पहले भी कई दफ़ा बताया 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 8 24, हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है 3 से, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लेफ्ट पर 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं, x = राइट पर बचेगा x, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, आंसर। क्या ये मीन प्रोपोर्शनल निकाला है आपने, नहीं, ये मीन प्रोपोर्शनल नहीं है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट की है, मीन प्रोपोर्शनल तो ये होगा 3x - 6, ये पूरा नंबर मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अगर बताना चाहें x की वैल्यू 3 3 8 24 24, में से 6 गया तो क्या बचेगा, 24 में से 6 निकाल दें, 18 बचेगा, 24 में से 6 का 18, तो मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 18 होगा, यानी 12, 18, 27, ये होगा मीन प्रोपोर्शनल। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें, और तो पिछले पार्ट्स में वो डायरेक्ट x मीन प्रोपोर्शनल था क्योंकि सिर्फ कॉमे के बाद x था सेकंड और फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है बल्कि 3x - 6 है, तो पूरा एक्सप्रेशन ही असल में मीन प्रोपोर्शनल है, और x की वैल्यू 8 है, तो 8 पुट करने पर 18 आया, तो 18 असल में मीन प्रोपोर्शनल होगा, समझ रहे हैं बात। इसका प्रोपोर्शन लिखना चाहें तो 12 का रेशो 18 के साथ प्रोपोर्शन, फिर 18 का रेशो 27 के साथ, तो मीन प्रोपोर्शनल जब कॉन्टिन प्रोपोर्शन में रखने होती हैं तो मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो 2 दफ़ा होता है, समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट स्टूडेंट से लास्ट पार्ट अब करने वाले हैं इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 7x - 3 112 भी है, ये करना है। तो देखिए यहाँ पे x - 3 मीन प्रोपोर्शनल है, ना कि सिर्फ x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट देखें कैसे करो। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है, 7x - 3 112 सॉल्व। तो मीन प्रोपोर्शनल x - 3, इसका स्क्वायर करेंगे और एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 112 टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दें ऊपर, और यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दें, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो लेफ्ट पर बचेगा x - 3, और राइट पर अब यहाँ प्राइम फैक्टर बनाए 112 के, तो देखिए क्या बनेगा, 2 के टेबल से आ रहा है, 2 5 10, 1 कैरी हुआ 12 बना, 2 6 12, फिर 2 से 2, बल्कि 7 से कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 7 8 56, समझ रहे हैं, उसकी वजह यहाँ पर 7 आया हुआ पहले रूट में, गौर से देखो, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 से ही करना पड़ेगा,
यस, इसके फैक्टर बना लिए 112 के, 112, 2 5 10 वन कैरी, 2 6 12, फिर 2 से 2 2 4 वन कैरी होगा, 2 8 16, फिर 2 से बनाए 2 1 2 2 4 8, अब 7 से कर लें, बल्कि 2 से फिर जा रहा है, 2 7 14, फिर 7 से 7 1 7, मुझे असल में ये वाला 7 नज़र आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ इस 7 के साथ पेयर बनाऊँ, तो यहाँ पर देखें 2 बाई 2 का पेयर, फिर 2 बाई 2 का पेयर, और ये सिंगल 7 वो पिछले वाले 7 के साथ पेयर बना लेगा। आइए इसको देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई, अब ये वाला 7 में पहले लिख रहा हूँ, 112 के फैक्टर 7, और उसके साथ 4 2s दिए हुए हैं, 1 2 3 4, नहीं समझे बात को, तो 112 के फैक्टर्स बन गए। तो अब देखें कितने पेयर बने टोटल, टोटल पेयर पे गौर करें, 2 बाई 2 का पेयर बना, फिर 2 बाई 2 का, इस 7 में सिंगल था लेकिन पिछले 7 के साथ मिलकर ये पेयर बना लेगा 7 बाई 7, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x-3, हर पेयर से एक नंबर बोतल आंसर बाहर, 7 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, और यहाँ तीसरे पेयर से भी 2 बाहर, x-3 इज इक्वल टू 7 to the 14, 14 to the 28, -3 को उधर शिफ्ट कर दें तो 28 -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 में 3 ऐड कर दें तो 31 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 18.4 की बेस डेवलप करेंगे, जिसमें थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के हवाले से, ये आपके सामने देखें, पहला थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है, फिर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, तो ये थ्योरम्स पर हम गुफ्तगू जारी रखते हुए बेस डेवलप कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज के सवाल की तरफ आपको लेके जाएंगे। लिखने बोलने में गलती हुई तो इसलाह ज़रूर कर देना। खुदा हाफिज़।